गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिक्स चैप्टर का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज। शारीरिक क्रियाकलापों व साहसिक खेलों के दौरान सावधानियां। तो जब भी आप किसी भी इस तरह के कैंपिंग के लिए निकलते हैं तो उसके लिए क्या क्या सावधानियां और क्या क्या उपकरण आपके पास रहने चाहिए वो इसमें पूछे गए हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इसमें पहला दिया है उन्होंने मटेरियल और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। पहला है फर्स्ट एड किट, प्राथमिक चिकित्सा किट। सेकंड है इसमें टेंट अथवा अन्य प्रकार का सामान, जमीन में तंबू की कील ठोकने के लिए हथौड़ा, खाने पकाने की सामग्री, फ्लैश लाइट या टॉर्च, रेनकोट, अगर बारिश आ जाए तो उसके लिए रेनकोट है, रात के लिए ये फ्लैश लाइट है, टॉर्च है ताकि दूर से नज़र आए क्या है। उसके बाद है त्वचा की सुरक्षा हेतु सनस्क्रीन, मल्टी टूल बॉक्स जिसके अंदर एक छोटा चाकू रहता है, प्लास, पेचकस और कुल्हाड़ा टाइप कोई भी इस तरह का कटर, वो मल्टी टूल बॉक्स होता है। पानी का जग या बाल्टी, स्लीपिंग बैग, एक स्लीपिंग बैग आता है जो आदमी जिसके अंदर अपने आप को ओढ़ के और उसके बाहर से उसको लॉक कर लेता है और वो उसी के अंदर सो जाता है, वो स्लीपिंग बैग है। ये आमतौर पे जो हमारे मिलिट्री मैन होते हैं उनको दिए जाते हैं। आग जलाने हेतु लकड़ी, तो ये जब भी जहाँ कैंप लगाना होता है वो आसपास से भी आप इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसके लिए जो भी थोड़ा बहुत ज्वलनशील उसको जलान, क्योंकि कई बार बारिश के मौसम में जंगल में भी सूखी लकड़ी नहीं मिलती है, तो उसके लिए क्या आप मतलब कैसे आप लोग उसको मैनेज करें वो भी एक सोचने वाला विषय होता है। लाइटर या माचिस, व्यक्तिगत देखभाल हेतु तौलिया, पर्याप्त मात्रा में खाने का सामान। और उसके बाद है सुरक्षा उपाय कौन से हैं, सेफ्टी मेजर्स कौन कौन से हैं। कैंपिंग से पहले उचित ढंग से की गई तैयारियों किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए प्रभावशाली ढंग है। एक श्रेष्ठ व सर्वाधिक सुरक्षित जगह का चुनाव करना चाहिए। अपना तंबू, तकिए आदि मतलब साथ लेके जाना चाहिए। अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट व सुरक्षा उपकरण साथ रखें। जरूरी वस्तुएं पैक कर लें, किसी भी स्थान पर बिना तैयारी के ना जाएं। कैंप में जाने से पहले मौसम को जांच लें। जब आप शिविर स्थल पर पहुंचे तो आसमान में परिवर्तनों पर ध्यान दें। प्राकृतिक विपत्तियों वाले स्थान पर कैंपिंग से बचें। प्राकृतिक विपत्तियां कैसे हैं, जैसे अपने यहाँ तो इंडिया में ज्वालामुखी बहुत कम संख्या में हैं और फॉरेन के अंदर कई देशों में ऐसे हैं कि साथ साथ जो है वो ज्वालामुखी भी फटते रहते हैं, वो बहुत एक आफत वाली सिचुएशन हो जाती है। एक तो उसमें से जहरीली गैस, वो सांस लेने में परेशानी आ जाती है और दूसरा उससे गर्मी हो जाती है। इसी तरीके से जो बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेश होते हैं तो उनमें कई बार 2 चोटियों के बीच में बर्फ़ जो है वो जम जाती है जिसका आदमी को पता ही नहीं लगता और वो बहुत नरम होती है। जब उसके ऊपर चलते हैं तो एकदम आदमी जो है वो बर्फ़ टूट जाती है और आदमी उस पानी में चला जाता है, तो ऐसे में वो बड़ा मुश्किल भरा समय हो सकता है। प्राकृतिक विपत्तियों से बचने वाले स्थानों पर ही कैंपिंग करें। डिब्बा बंद खाएं, माचिस व टॉर्च की व्यवस्था करके रखें। अपने साथ संचार के साधन जैसे मोबाइल आदि जो है फ़ोन वो अपने साथ रखें। तंबू में
कभी आग का प्रयोग ना करें, मोमबत्ती की बजाय टॉर्च का प्रयोग करें, क्योंकि जब मोमबत्ती या लालटेन आप कई बार इसके अंदर कमरे के अंदर या अपने टेंट के अंदर जगाते हैं तो वहाँ उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। सोने से पहले आग बुझा दें, क्योंकि हवाएं तेज चलती हैं, आपकी आपने जहाँ कैंपिंग करते हैं उसके बाहर आग जला के रखनी होती है, ताकि एक तो आपको दूर से पता चल जाता है कि भाई यहाँ से धुआं उठ रहा है तो मेरा जो टेंट है वो उधर है, और दूसरा जो है आग के भय से कोई जानवर भी आसपास नहीं आता है। तो कई बार क्या होता है कि रात के समय में आदमी उसको जला के रखता है, और जब तेज हवाएं चलती हैं और वो चिंगारियां उड़ के इधर उधर फैल जाती हैं और एक जंगल में आग लगने का कारण बनती हैं, जिससे हजारों लाखों जो है वो जीव जंतु अपनी जान को खो देते हैं और प्रकृति को भी बड़ा नुकसान होता है। अच्छे खासे हरे हरे पेड़ जो हैं वो जल जाते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के जंगलों में जो आग लगी उसका क्या दृश्य बना है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं यही होते हैं, कोई जलती हुई सिगरेट फेंक देता है, कोई जो है वो ऐसे आग जला कर छोड़ देता है जिसकी वजह से आग फैल जाती है। और कभी भी जंगल की आग जो है वो कहते हैं कि सबसे तेज कोई चीज़ अगर फैलती है तो जंगल की आग की तरह फैलती है। जंगल की आग बहुत जल्दी फैलती है। इसी तरह से एक लोग जो है कहावतों में भी बोल देते हैं, अगर कोई समाचार या कोई अफवाह बुरी तरीके से फैल जाए तो उसको कहते हैं ये बात तो जंगल की आग की तरह फैल गई। ठीक है, तो सोने से पहले अपने आसपास की जो जितनी भी आग है वो आप बुझा दें पानी के छींटे लगा के, और आसपास की जगह को साफ रखें, ऐसा ना हो कि आसपास सूखी घास पत्तियां हैं और वहां से वो चिंगारियां उड़ के उस घास में लग जाएं और वो फैलती चली जाए। वन्य प्राणियों के सामने सावधान रहें, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, और आगे से भी कर सकते हैं और साइड से भी कर सकते हैं। कई बार कई जो जंगली जानवर है वो घात लगा के बैठे रहते हैं कि भाई कब मैंने हमला करना है। जांच लें कि आपके सभी साथी आपके तंबू में हैं, और ये जरूरी है, ये आप लोग जो इसमें देखते हैं कि एक ही आदमी है, एक आदमी नहीं होता है, वो पूरी टीम होती है, उसके अंदर 10 से 12 आदमी होते हैं। ये बात अलग है कि वो एक आदमी को कैप्चर करते हैं। ठीक है, शिविर स्थल के आसपास सफाई रखें, जहरीली पौधों को से सावधान रहें। ये जहरीले पौधे, इनकी जानकारी होती है, कई बार क्या होता है कि किसी पौधे को खाने से जो है वो शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है, कई पौधे जो हैं वो शरीर में खुजली उनसे होने लग जाती है, कई जो हैं वो दम घुटने लगता है उन पौधों से। और उसके बाद है आपातकालीन स्थिति का सामना करना सीखें। एक चीज़ इसमें इन्होंने नहीं दी है, शायद कहीं आगे आ जाए, आपको कोई ना कोई विस्फोटक पटाखे या कोई विस्फोटक गन ऐसी हो जो जिसके अंदर धमाका करने वाले कारतूस हों, नुकसान करने वाले ना हों जीव जंतुओं को। कई बार कोई हिंसक जीव जंतुओं से आपका सामना हो जाता है तो वो पटाखों के डर के से भाग जाते हैं, और कई पशु ऐसे भी होते हैं हिंसक पशु, वो डरते नहीं हैं, वो फिर उनको या तो आपको अपने लाइफ सेव करने के लिए फिर दूसरे कारतूस का प्रयोग भी करना पड़ता है। चढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री, मटेरियल और रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रॉक क्लाइंबिंग, तो एक रस्सी है, एक जीन है, एक हेलमेट है, तंग कपड़े हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले जूते हैं, स्लिपरी जूते नहीं होने चाहिए उसमें, क्योंकि अगर आप किसी चट्टान पर चढ़ रहे हैं तो अगर जूते ग्रिप नहीं बनाएंगे तो आप फिसल के गिर सकते हैं। उसके बाद है जाल है, कार्बाइनर्स हैं, चाक बैग है, कसने वाले उपकरण हैं, कसने वाले दस्ताने हैं, चोट से बचाने वाले उंगलियों पर लगाने वाली टेप है, क्योंकि बार बार जब आप उन पत्थरों को उंगलियों से पकड़ते हैं तो उंगलियां जो हैं वो उनमें एक अजीब तरह का घर्षण हो जाता है और वो बुरे तरीके से छिल जाती हैं।
आप लोग इतना ही करेंगे, कल बाकी के दूसरों का दूसरे जो हैं वो आपने सिर्फ चट्टान चढ़ाई के लिए तक के करने हैं, उसके बाद कल जो है वो ट्रैकिंग के करेंगे, सुरक्षा उपाय कौन कौन से होने चाहिए, फिर रिवर राफ्टिंग के करेंगे, फिर पर्वतारोहण के करेंगे। ओके, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जिसको कोई प्रॉब्लम लगे वो मेरे पर्सनल नंबर से मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। ओके, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।